द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के तत्वधान में क्रिसमस पर्व का आयोजन। आज द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया 173 राधापुरम गुब्बा गार्डन कानपुर कल्याणपुर में आयोजित किया गया। बिशप पंकज राज मलिक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयु अतिथियों का स्वागत किया और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का आरंभ मैरी क्रिसमस टू यू गीत के द्वारा हुआ। पैराडाइज एंजल बैंड के द्वारा आज पैदा मसीह हो गया चरनी में देखो पैदा हुआ मरियम का राज दुलारा गीत गाकर प्रभु की महिमा की गई। बच्चों ने लघु नाटिका के द्वारा यीशु मसीह के जन्म का चित्रण किया। वहीं लड़कियों ने सुंदर नृत्य किया। बिशप राजपंकज मलिक ने अपने संदेश में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में मानव रूप में जन्म लिया, सभी लोगों को प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम के उपरांत सभी भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पादरी सत्येंद्र श्रीवास्तव, श्रीमती अनुपमा मलिक, अनुराज मलिक, सागर मैसी, श्रेया राज, अभिमन्यु, सौरभ राज, रिक्की, मनीष, लॉरेंस, निशित, विशाल आदि उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं समस्त कानपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं क्रिसमस पर्व की। मैं बिशप पंकज राज मलिक द गुड शेपर्ड चर्च का फाउंडर हूं और बड़ी खुशी की बात है कि सारी दुनिया में आज प्रभु यीशु मसीह का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हमें बीमारियों से निजात दिया, भाईचारे की शिक्षा दी, आपसी प्रेम से रहने की शिक्षा दी और ये कहा अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करो। क्या परमेश्वर की शिक्षा थी, उसको मानते हुए आज जीवन तर हो गया, धन्य हो गया। और यही शिक्षा हम लोग को देते हैं कि थोड़े दिन का जीवन है, प्यार मोहब्बत से जी लें, सब दुनिया में रह जाएगा, सिर्फ हमारे साथ हमारे अच्छे काम जाएंगे जो हमारे प्रभु ने हमें सिखाए हैं। कोई भी धर्म बगैर कर्म से जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करें और प्रभु की सेवा करें। आज यहाँ क्रिसमस का फंक्शन है, हजारों लोग आए हुए हैं और प्रभु के जन्मदिन को मना रहे हैं। इसी के साथ साथ झांकी सजी है और बैंड के माध्यम से गीत गाए जा रहे हैं। अरे बड़ी खुशियां है और सेंटा क्लॉज आ रहे हैं, बच्चों के गिफ्ट है, भोजन है, लंगर है, बहुत आज खुशियों का दिन है जो हम आज दिन भर मनाएंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। आप सबों को, सारे पत्रकार भाइयों को दिल से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। आज होने के जश्न को मना रहे हैं और इस बात को बताते हैं कि उस और उस उत्सव में आया प्रेम के लिए, शांति के लिए और हमारे देश की इस भारत को शांति बने गए, मेल मिलाप जाति पात के सारे पंगों से दूर होकर के एकता भाईचारा शांति जीवन में सबसे पहले मौन होना चाहिए, जीवन में सबसे पहले शांति और प्रेम आना।